बीच एक और बड़ी खबर आपको महासमुंद से देते हैं। क्या महासमुंद से जो खबर सामने आ रही है, परस कोल के स्कूल में ताला जड़ दिया गया है। शिक्षकों की कमी के वजह से ग्रामीणों में गुस्से का माहौल देखा गया और गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ा है। स्कूल के 85 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तालाबंदी के घंटे बाद भी अभी तक कोई आला अधिकारी यहां नहीं पहुंचा हुआ है। हालांकि ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की आपूर्ति की जाए, क्योंकि यहां पर लंबे समय से शिक्षकों की मांग की जा रही है कि जल्द यहां पर शिक्षक लाए जाए, क्योंकि स्कूल में जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, ऐसे में बच्चे अगर कुछ सीख नहीं पाएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा, ये एक अहम सवाल है ग्रामीणों की तरफ से, जिस वजह से गुस्साए ग्रामीणों ने अब स्कूल के मेन गेट पर यहां पर ताला जड़ दिया है। और उनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द जो वैकेंसीज अभी तक शिक्षकों को लेकर के स्कूल में बताई जा रही है, उन्हें तुरंत ही पूरा किया जाना चाहिए और शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई किसी तरीके से प्रभावित ना हो और इस मांग को जल्द ही पूरा किया जाए। हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, ना ही इस मामले में किसी ने संज्ञान लिया है। हालांकि लंबे समय से यह मामला अभी तक अधर में लटका हुआ बताया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से ग्रामीणों की मांग चल रही है, लेकिन कोई ना सुनवाई करने को तैयार है, ना ही इस ओर किसी की नजर अभी तक बनी है। इस पर अधिक जानकारी के साथ आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपसे जानकारी चाहेंगे कि लंबे समय से जो ग्रामीणों की तरफ से मांग की जा रही थी, आखिर इस मामले में अधिकारी अभी तक इस पर गौर क्यों नहीं फरमा रहे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि काफी लंबा समय बीत चुका है, शिक्षक की मांग की जा रही है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लापरवाही कहां आ रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है शासकीय प्राथमिक शाला परस कोल का मामला है, जहां पर करीबन तकरीबन 85 बच्चे जो एक कक्षा पहली से लेकर पांचवी तक की अध्ययनरत हैं, इनको शिक्षा देने के लिए वहां पे एक प्रधान पाठक और तीन शिक्षक की पदस्थापना की गई थी, लेकिन उसमें से जो एक शिक्षक है उनको व्यवस्था के तौर पे बागबहरा भेज दिया गया था। बाद में फिर दिक्कत होने लगी तो पालकों की मांग पर वहां पे फिर एक दूसरे शिक्षक को वहां पे पदस्थ कर दिया गया व्यवस्था के तौर पे। अभी शासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि जितने भी शिक्षकों को उनके मूल स्थापना से दूसरी जगह पे व्यवस्था के तौर पे भेजा गया है, ऐसे शिक्षकों को उनको मूल स्थापना यानी जो उनका मूल जहां पे उनको पदस्थ किया गया उस स्कूल में उनको भेजा जाए, जिसके तहत यहाँ से एक शिक्षक को फिर वापस भेज दिया गया है। तो एक शिक्षक की पद यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, जो यहाँ से व्यवस्था के तौर पे दूसरी जगह बागबहरा भेजे गए थे वो शिक्षक अभी तक यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए। इस पूरे मामले में जब शिक्षा विभाग के आलाधिकारियों से संपर्क किया गया तो उनका क्या है कि वहां कहना है कि वहां से उनका स्थानांतरण तो कर दिया गया, लेकिन वो अभी एक माह के मेडिकल की छुट्टी पे है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आशुतोष आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।